बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानेब, जो कि मुझे अभी अभी मौसूल हुआ है। देखते हैं कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। वालेकुम, रतनपुर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी मैंने गुजरात जी से वैसे मेरा तल्लक है, लेकिन रहता लाहौर में हूँ। ठीक कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद। ठीक आपका डेरा यकीनन इस्लामाबाद में होगा, हाँ और जी आपके वो डेटा से अंदाजा हुआ कि आपका तल्लक गुजरात से है। बिल्कुल बहरहाल, आपके दिए हुए नंबर के जरिए आज मेरा जाहिद खान साहब से रब्ता हो गया है, पिशावर ठीक वाले जाहिद खान साहब। ठीक उनसे एक मुख्तसर सी बात हुई है जाफरान के बारे में, क्योंकि टाइम शार्ट था, जुमे का दिन है, हाँ तो हाँ फिर मैंने कोई लंबी बात नहीं की, मतलब लेकिन नंबर कंफर्म हो गया। अब इंशाल्लाह उनसे रब्ता करते रहेंगे, थोड़ी डिटेल में बात होती रहेगी। आपका बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रब्ते का जरिया बने। और इस सिलसिले में, जाफरान के सिलसिले में आपकी भी कोई प्रोग्रेस होगी, कुछ काम आपने भी शुरू किया होगा, कोई ऐसा है तो जरूर बताइएगा। ठीक है जी, जजाकल्ला, थैंक यू, सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज। और इनका एक और भी इन्होंने रिटर्न लिखा हुआ है कि डॉक्टर साहब यू बिलोंग टू गुजरात भद्दर, आई बिलोंग टू कड़ियावाला गुजरात, वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म मी वेयर दिस विलेज भद्दर इज सिचुएटेड, गजनफर हयात लाहौर। मेरी जान ये खारियां से एक डिफेंस रोड निकलती है, अजीज बटी शहीद का गांव लादियां है, उससे पहले बद्दर है। ये बड़ा मारूफ पुराना विलेज है बद्दर, और वो मेरा नेटिव विलेज है जहां मैंने प्राइमरी तालीम सिर्फ उधर हासिल की है, लेकिन मेरे वालदैन की कब्रें उधर ही हैं, और दादा परदादा वो आप देखेंगे तो आप मेरे मुतालिक आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, किस बरादरी से मेरा ताल्लुक है, और क्या कुछ मैंने तालीम हासिल की है, कहाँ कहाँ सर्विस की है, वो सारा कुछ आपको अबाउट अशरफ साहबजादा जब जाएंगे, वो पूरी एक प्लेलिस्ट ही है अबाउट अशरफ साहबजादा आपको मिल जाएगी। वैसे तो आपको मालूम है कि इस वक्त मेरी 12,600 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बल्कि अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो खिदमत कर रहा हूँ और इस्लामाबाद में होता हूँ, I-83 एक जगह है, वहाँ मैं रहता हूँ और बदर जाता हूँ कभी कभार, अगर कोई कोई गमी या शादी पे, अदरवाइज आई स्टे इन इस्लामाबाद, और मोस्टली मैं आजकल लोगों की यही नोबल डीड समझते हुए बेलौस खिदमत कर रहा हूँ। जहाँ तक आपने कहा ज़ाफरान का, तो ज़ाफरान आगे लिखें डॉक्टर अशरफ साहबजादा, तो उसमें मैंने काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ज़ाफरान के बारे में, और मुझे लगाते हुए और फूल लेते हुए भी आप नज़र आपकी उन को मिलेगी, और जाहिद खान भी मेरे साथ एक आध दफ़ा, वो उसने भी मेरे साथ कल्टीवेशन की है मेरे छत के ऊपर, जो वो प्लांट देखेंगे तो देन यू विल रिकॉग्नाइज के डॉक्टर अशरफ साहबजादा कौन है। ठीक है मेरी जान, और ये बदर उधर है, खारियां से डिफेंस रोड है, लादियां ये अजी जलालपुर जटा रोड के ऊपर है, लादियां साथ ही गांव है, इसलिए मैंने बता दिया कि अजीज बटी शहीद का नाम तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो आपको ये है कि उन्होंने निशाने हैदर लिया था, और बहुत हमारी समझ लें कि ऑनर है गुजरात की, और गुजरात के और भी निशाने हैदर हैं, लेकिन ये इसको एक खास एजाज है 65 की वार, और मैं उस वक्त बच्चा था, स्टूडेंट था, लेकिन मेरे सामने ही उनकी डेड बॉडी आई थी, और उनके जनाजा भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिद साहब अब्दुल्ला मास्टर अब्दुल्ला का जनाजा मैंने पढ़ा, वो उनकी इस्लामाबाद में कब्र है,
H8 में, जहाँ मेरी वाइफ की भी कब्र है। तो मेरी जान, ये मुख्तसर सा आपको तारफ करा दूँ, फिर बाकी आप देख लेंगे कि मैं एक अदना सा खादम हूँ इस कौम का, और दो दफ़ा पाकिस्तान का बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड ले चुका हूँ और मिलेनियम अवार्ड भी लिया है। अब देखें, बढ़ रहा हूँ आगे, कुछ लगता है कि अगर कोई किसी ने रिकॉग्नाइज की मेरी खिदमत, तो हो सकता है कि सितारा खिदमत शायद मिल जाए। ना हुआ तो मरने के बाद तो मिलेगा, मिलेगा। हो सकता है कि मरने के बाद मेरे नाम पे कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी बने। देखें, जो अल्लाह को मंजूर है। अभी बेलौस खिदमत कर रहा हूँ, ये लोगों की नज़र पड़ गई तो फिर इसको रिकग्निशन मिल जाएगी। दुआओं में याद रखें, फीमान अल्लाह।